मंगलमय वातावरण यहाँ पे हुआ है। इसका जो वातावरण का फायदा सभी संतों को हो रहा है, सभी भक्तों को हो रहा है, और ये कार्य ऐसे ही आगे आगे चलते रहे, ऐसी मेरी मनोकामना। महामारी ने पूरे विश्व को झुंझोड़ कर रख दिया, भगवान के मंदिर भी बंद थे, जिस कारण भक्तगण भगवान से दूर हो गए थे। भक्तगणों को इकट्ठा लाने हेतु महाविश्वेश्वरी सेवा समिति द्वारा नेरुल में मां शाकंभरी के आशीर्वाद से एवं परम पूज्य गुरुजी श्रीराम कुंडल महाराज के नेतृत्व में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहां आशीर्वाद लेने के लिए विधायक गणेश नाइक, पूर्व नगर सेवक गिरीश महात्रे, सूरज पाटिल, समाज सेवक चंद्रशेखर भोपी मौजूद थे। इस दौरान विधायक गणेश नाइक ने माता के आशीर्वाद लिए। इस दौरान विधायक गणेश नाइक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस धार्मिक कार्यक्रम से नवी मुंबई का माहौल भक्तिमय हो गया है। देखिए, माँ विश्वेश्वरी सेवा समिति ट्रस्ट नवी मुंबई की ओर से यहाँ पे माँ शाकंभरी के कृपा प्रसाद से यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया है, ये प्रमुख आचार्य परम पूज्य गुरुजी श्रीराम कुंडल शुक्ल जी महाराज इनके नेतृत्व में शुरू हो रहा है। जटाशंकर पांडेय, पंकज तिवारी और राजकुमार सिंह, इनके सपोर्ट से कार्यक्रम बड़ी ताकत से शुरू हो रहा है। एक मंगलमय वातावरण यहाँ पे हुआ है। इसका जो वातावरण का फायदा सभी संतों को हो रहा है, सभी भक्तों को हो रहा है, और ये कार्य ऐसे ही आगे आगे चलते रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। बता दें कि ये धार्मिक कार्यक्रम शंकर पांडे, पंकज तिवारी, राजकुमार सिंह इनके अथक प्रयासों से आयोजित किया गया था। इस दौरान अपनी भावना व्यक्त करते हुए आयोजकों ने कहा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने में कई लोगों का साथ मिला है, जिनका आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। ये सचंडी जो यज्ञ हम लोग करवा रहे हैं, आप लोगों को पता है विगत दो वर्षों से जो महामारी फैली है उसमें व्यक्ति में भय बस चुका था, एक डर बस चुका था, एकत्रित नहीं हो रहे थे। करवाना तो सभी चाहते हैं, सभी धर्म में शामिल होना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं डर था, उस डर को ख़त्म करना था और फिर से हमको धार्मिक अपने सनातन धर्म को आगे ले जाना था। और उसी प्रयास में जिस तरह हमारे देश के संत लोग लगे पड़े हैं, वही एक प्रयास था कि जो हमारी एक बजरंग मानस मंडल है और हमारे जो नेरुल के सभी मित्रगण, आयोजक गण, जितने लोग हैं, इनकी एक भावना थी कि इस एक आयोजन ऐसा किया जाए जिसमें कि किसी को विरोध भी ना हो कि हमने पब्लिक जमा की है। तो उसका एक माध्यम हमको यज्ञ ही लगा, इसलिए हमने इसकी यज्ञ करवाया। और यज्ञ करवाने का सहयोग जितना भी था सब पब्लिक का बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे थे कि जब वहाँ पे हम लोगों ने कहा ये कार्यक्रम हमको करवाना है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बोल तो नहीं सकते हैं लिखित रूप में, पर आप करवाइए, हमारा समर्थन पूरा रहेगा। कई छोटी मोटी विवादें हुई यहाँ पर लोगों का कि आवाज़ जो है तो बढ़ जाता है, पर लोगों ने ये कहा कि उन्होंने ही कहा कि ठीक है साहब, हम आ तो चुके, हमारी ड्यूटी है, पर आप करवाते रहिए। इस तरह यहाँ के नेरुल के निवासियों का भी हमको बहुत सहयोग रहा है। बस एक यही एक अनुरोध है, एक अपील है कि सनातन धर्म के लिए जो हम कर सकते हैं हमको करना चाहिए, उस सेवा को बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए हमारी पूरी टीम, पूरा हमारा मंडली इसके लिए अग्रसर है और अग्रसर रहेगी। आगे उन्होंने विधायक गणेश नाइक को भी धन्यवाद दिया। आज हमारे बीच में श्री गणेश नाइक जी, जो कि आज यहाँ के जनसेवक हैं, उन्हें हर व्यक्ति उनको पसंद करता है और इतने सेवाभावी हैं, इतने मृदुभाषी और इतने अच्छे वक्ता हैं कि अगर उन्हें कहीं निमंत्रण दिए जाए तो शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि उनके निमंत्रण में वो आए ना हो। आज माता किया उनको निमंत्रण हमारे सहयोगियों ने दिया था, जिसके कारण आज वो यहाँ पर आए। उनको यहाँ पर हम लोगों ने, हमारे पंकज तिवारी, जटा भैया और हमारे जितने मित्रगण हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्होंने भी यह आश्वासन दिया कि कुछ भी कमी यहाँ पर पड़ती है या कोई भी काम पड़ता है तो अगर किसी से नहीं हो पाएगा तो गणेश नाइक साहब आपके साथ खड़े हैं। इससे बढ़कर हम लोगों के लिए कोई और बात हो ही नहीं सकती है। हम उसका सत सत आभार मानते हैं। और यहाँ जो हमारे बीच में गिरीश काना मात्र, जो नगर यहाँ के माजी नगर सेवक थे, सूरज पाटिल साहब, हमारे चंद्रशेखर भोपी जी जो ये, और एक हमारे नारायण पाटिल साहब जिनका सहयोग है, उनको हम सत सत आभार और हृदय से उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।